नाइन्थ क्लास, तुम्हारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारे पदार्थ के ऊपर। अगर क्वेश्चन जैसे कि 4 तारीख को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के गुणों के बारे में थोड़ा बहुत आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला तुम्हारा टॉपिक दे रखा है पदार्थ, तो पदार्थ क्या है? जैसे कि पदार्थ किसी वस्तु को हम मानते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड का कोई ना कोई भार होगा, द्रव्यमान होगा, स्थान घेर रहा है। ये देखो, इसने या दीवार पे स्थान घेर रखा है। इसको हम अनुभव कर रहे हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे आँख है, आँख के द्वारा हम देख रहे हैं, तो इस बोर्ड का पता चल रहा है। जैसे कि हमारा स्किन हमारी ज्ञानेंद्रिय है, तो स्किन के द्वारा हम टच कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये जो मैटर है, द्रव है, इसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ। अब पदार्थ का दूसरा जो गुण है वो ये है कि भाई पदार्थ जो है हमारा, उसके अंदर जड़त्व का गुण पाया जाता है। अब जड़त्व मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स का जो फर्स्ट नियम है आपके गति का, जड़त्व का नियम, कि किसी भी वस्तु, जो भी वस्तुएं हैं वो परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। और परिवर्तन का विरोध ही क्या है? जड़त, रूट, यानी मूल, अपना जो उसका मूल है उसी में वो रहना चाहती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि अवरोध, किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उसकी क्षमता भी होती है पदार्थ में, यानी कि जड़त्व और अवरोध उत्पन्न की क्षमता होती है। इसके अलावा है कि पदार्थ को हम बल लगा के या दाब लगा के और ऊर्जा दे के उसकी अवस्था में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। अब सपोज करो ये पदार्थ है, अब इसकी अवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं कि आप इसमें सपोज करो इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो जो प्लास्टिक की, अगर इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक है तो वो क्या होगा? द्रव में चले जाएगा। लकड़ी है तो लकड़ी मटेरियल तो है लेकिन बदलेगी तो सही, कुछ तो ठोस रहेगी, कुछ धुएं के रूप में गैस में बदल जाएगी। तो ये क्या करेगा कि अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करेगा। इसके अलावा अब वस्तु के लिए बता रहे हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थों के मिश्रण से क्या बनती है? वस्तु। अब जैसे दो पदार्थ हैं, उनके मिश्रण से क्या बन गई? वस्तु बन गई। तो एक या एक से अधिक तुम्हारे जो पदार्थ हैं उनके मिश्रण, उनको मिलाने से क्या तैयार होती है? वस्तु। वस्तु के उदाहरण जैसे कि तुम्हारा गिलास है, कपड़ा है, किताब है, टेबल है, धातुएं हैं, बोर्ड, जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द तुम देख रहे हो सब क्या है? वस्तुएं हैं। वस्तुओं से हम वैसे भी घिरे हुए हैं चारों तरफ से। अब है कि वर्तमान के अंदर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं वर्तमान? 5 है। पहली अवस्था आपको ये तीनों पहले से पढ़ने को मिल रही थी, गैस, द्रव और ठोस। नई अवस्थाएं क्या है पदार्थ की? 4थी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था का जो नाम है वो काफ़ी बड़ा है और ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसकी शॉर्ट फॉर्म है BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये इसकी 5वीं अवस्था का नाम है। अब इसके आगे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे 1920 के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के थे, ये फिजिक्सिस्ट थे जो हमारे, वो थे सत्येंद्रनाथ बॉस। इन्होंने क्या किया कि अल्बर्ट जो आइंस्टाइन था, यानी अल्बर्ट जो आइंस्टाइन थे, उनको कुछ गणितीय चीज़ें भेजी, कुछ गणितीय गणना भेजी उनको कि भाई इस तरीके से मैं इस पदार्थ पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी क्या की उन्होंने, उन्होंने बताया कि भाई आगे फ्यूचर में जाके पदार्थ की अवस्थाएं और ज़्यादा खोजी जाएंगी। तो 2001 के अंदर लगभग ये काम 1995 के आसपास हो गया था, पर कम्प्लीटली 2001 में जो अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे, ए कॉनेल और वॉल्फ गैंग कैटरे और कॉल ई वेमेन, इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? पदार्थ की 5वीं अवस्था बताई और समझाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का गुण पूछ सकते हैं जो अभी और हम डिस्कस करेंगे, या फिर पदार्थ की अवस्थाएँ कितनी हैं। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएँ मेन हैं जो मैंने आपको बताई है, गैस, द्रव और ठोस। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं के गुण और इनके अंदर अंतर, और कुछ परिवर्तन हम पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहला जो गुण है वो है अणु के रूप में, कि पदार्थ अणु के रूप में है तो इनके अणुओं की स्थिति क्या है, इनके अणु स्थान कितना घेरते हैं और इनके अणुओं की गति क्या होती है। अब पदार्थ है तो जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के अंदर हम पदार्थ की अवस्थाओं में क्या पढ़ रहे हैं? अंतर पढ़ रहे हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कि पदार्थ की जो स्थिति है, ठोस पदार्थ कैसे बैठे हुए हैं। जैसे कि सपोज करो ये मेरे हाथ में आपकी कोई चौक है, अब चौक के अंदर जो पदार्थ है
वो इस तरीके से बैठे हुए हैं, पदार्थ के जो अणु हैं उनकी स्थिति ऐसी है, बिल्कुल चिपक चिपक के बैठे हुए हैं अणु, बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं अणु इस तरीके से, यानी दूर दूर नहीं है, पास पास है। इसी तरीके से अगर द्रव अवस्था, जैसे पानी की स्थिति क्या है, पानी में अणु कैसे पास पास हैं दूर दूर है, कम पास है यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी है, इनके अणु के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। इसी तरीके से गैस की बात करें, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, कोई भी गैस की बात करें, वायुमंडल के अंदर गैसों का मिश्रण है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि गैस का एक अणु और दूसरा अणु इनके बीच में तो दूरी काफ़ी है, यानी कि ये दूर दूर है। अब इसको अगर हम देखें उल्टा करने की गतिज ऊर्जा, यानी इनकी गति करने की संभावना क्या है, तो जो पास पास बैठा है, जो पास पास बैठा है वो सबसे कम गति करेगा। क्यों? एक से दूसरे की, भाई दोनों के बीच में क्या बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल पास पास बैठे तो दूर जाने में समय लगेगा, ठीक है। तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या है, न्यूनतम है, और इनकी क्या है, इससे ज़्यादा है, किससे, ठोस से। द्रव की जो गतिज ऊर्जा है अणुओं की, वो ठोस से क्या है, ज़्यादा है, और गैस से क्या है, कम। गैस के अणु सर्वाधिक गति से दौड़ते हैं इधर से उधर। इसके अलावा दूसरा है स्थान, तो देखो स्थान इनका निश्चित होता है, आपको पता ठोस है। अब ठोस पदार्थों को आप एक निश्चित स्थान पर रख देते हो, वो एक निश्चित स्थान पर रखे रहते हैं। द्रव है, द्रव का भी स्थान देखें तो निश्चित भी है, अनिश्चित भी है, क्योंकि निश्चित इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि द्रव क्या करता है कि जैसे पात्र में आप डालते हो वैसा ही वो अपना आकार बना लेता है, ठीक है। और इनका तो निश्चित बिल्कुल भी नहीं है गैस का, तो फिर है इसका आकार जो इसी तरीके से स्थान के रूप में, तो इनका आकार कैसे होता है, निश्चित। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसका आकार क्या है, निश्चित है। ये बोर्ड है, इसका आकार क्या है, निश्चित है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो आकार कैसा है, अनिश्चित। ये पात्र के अनुसार, यानी कि जिस भी पात्र में, जिस भी बर्तन में आप पानी को रखोगे, दूध को रखोगे, जिस भी चीज़ को रखोगे, जो द्रव है वो उसी आकार मिलेगा। जैसे गिलास में डाला तो गिलास का आकार, कटोरी में डाला तो कटोरी का आकार, अगर जग में डाला तो जग का आकार, बाल्टी में डाला तो बाल्टी का आकार, जिस भी चीज़ में आप द्रव अवस्था को डालोगे वो उसी आकार में चले जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो ठोस है, जैसे कि ठोस का एग्जाम्पल मैंने लिया, अपने स्कूल के अंदर चौक होती है। अब चौक को आप क्या करो, चाहे जग में डालो चाहे किसी और बर्तन में डालो, वो अपना आकार बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। लेकिन आप सपोज करो पानी है, अब पानी को आप किसी भी पात्र में डालो, पानी उस पात्र के अनुसार ही अपना आकार बदल देता है। इसके साथ ही है आपके क्या, गैस, गैस भी क्या करती है, गैस का आकार और आयतन दोनों ही बदल जाते हैं पात्र के अकॉर्डिंग। अभी आयतन क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद में है आपके आयतन, आयतन क्या है, ठोसों का आयतन क्या है, निश्चित है, और इसका आयतन भी क्या है, लगभग निश्चित है। लेकिन गैस का आयतन कैसा है, अनिश्चित है। तो ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया छोटा सा, इसको तुम देखो, इसके बाद में मैं सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें देखो, अगर सपोज करो पहला क्वेश्चन आता है कि भाई पदार्थ क्या है, बताओ पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, 5, या फिर BEC की फुल फॉर्म पूछ ली, या पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताओ, या फिर पदार्थों की जो अवस्थाएँ उनमें अंतर क्या क्या है। अब जैसे कि अंतर आयतन का भी है, एक अंतर और होता है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेनली कि पदार्थ के बीच में अंतराणविक बल पाया जाता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अंतराणविक बल, अंतराणविक बल। अब इस बल के लिए अगर हम देखें तो देखो, ठोस बिल्कुल पास पास बैठे हैं तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतराणविक बल होगा, और ये जो है ये थोड़े दूर दूर बैठे हैं तो बल थोड़ा क्या होगा, कम होगा, और ये तो बहुत दूर दूर बैठे हैं तो इनमें तो बल बहुत दूर होगा। इसको मैंने जो इस साल 10th है उसमें बताया था कि सपोज करो कि अगर बहुत प्रबल दोस्ती है तो वो क्या करेगा, बिल्कुल गले मिलेगा इस तरीके से, और अगर दोस्ती थोड़ी कम है तो वो क्या करेगा, हाथ मिलाएगा, और दोस्ती बिल्कुल नाम की एक बार चलो ठीक है तो वो दूर से क्या करेगा, बाय। तो बाय वाली स्थिति कौन सी है, गैस की, यानी कि कण कितने हैं, दूर दूर, कोई ज़्यादा नहीं, और द्रव वाली स्थिति हाथ मिलाने वाली है यानी दोस्ती, और अगर खास दोस्ती है तो क्या करोगे आप, गले मिलोगे, तो वो वाली है। तो इनके बीच में जो अंतराणविक जो बल है वो सबसे ज़्यादा किस में है, ठोस में, सबसे कम किस में है, गैस में, और दोनों के बीच का किस में है, द्रव में। तो ये पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर एक क्वेश्चन बनेगा आपके, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसको मैं डाल रहा हूँ अभी, इसको ढंग से पढ़ लेना।